बिग बॉस आ रही है फिल्म बिग बॉस कब? दिसंबर। Next, Swami Devendra Ji, we welcome you, sir. Dr. Anil Murarka, industrialist and founder of Amul Mission and ex-student of Reverend C.F. Andrews High School. Thank you, sir. Lead actress of today's showcase movie, Beti. Welcome, ma'am. Mr. Sunil Pal, a stand-up comedian, we all know him. Mr. Suraj Thapa, we welcome you, sir, who is a TV actor and again ex-student of Reverend C.F. Andrews High School. उद्देश्य के साथ देखो कि हमें अपने अंदर जो शक्ति है उसे समझना है और योग शास्त्र को बहुत ही स्ट्रांगली कहता है कि ऐसा कुछ स्त्री और पुरुष ऐसा भेद शास्त्रों में तो है ही नहीं। शास्त्रों में तो सीधी बात है कि हमारे पास शरीर है और हमारे पास वो आत्मा है। अलग अलग कुछ नहीं कि स्त्री और ये पुरुष, तो फिर हम क्यों अपने आप को नीचे गिरा है? हम क्यों कह रहे हैं हम स्त्री हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? जो अगर पुरुष अगर कुछ कर सकता है तो स्त्री भी कुछ और कर सकती है। दोनों में काफ़ी ताकत है, दोनों मिलकर एक व्यक्ति होते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम अपने अंदर की शक्ति को समझें और उसके लिए ज़रूर है कि हम कोई भी परिस्थिति को हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है कि याद रखें कोई भी परिस्थिति क्यों ना। अभी यहाँ इस फिल्म में तो ये परिस्थिति बताई, बहुत ही सीधी सटीक बात कही कि एक ऐसे परिस्थिति में भी सब लोग तो सब दूरी के हिसाब से चलते हैं, उसको ले जाना है, वो करना है, और अगर कोई नहीं करने देता तो वो झगड़ते हैं। झगड़ने की जगह सोल्यूशन ढूंढो। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमेशा, और इसीलिए जब सोल्यूशन ढूंढेंगे तो शांत मन से सोचना पड़ेगा। वो बहुत ही सही फिल्म बताई कि वो चिल्ला के और झगड़ते हुए उस आदमी के पास नहीं आई। उसको हम विलन कहते हैं मगर वो हीरो है। हाँ, उसके पास कुछ झगड़ते हुए नहीं आई, वो आई, रिक्वेस्ट किया शांत मन से, और उसने सोल्यूशन ढूंढा कि अभी पैसा चाहिए ना उसको, मेरे पास जो है वो ले लें। ये शांतपन से जब आप कोई भी काम करोगे तो वो सचमुच सही सॉल्यूशन बताएगा। और इसीलिए याद रखो कि जब भी कभी परिस्थिति कैसी भी विकट क्यों न हो, पहले अपने आप को शांत करो, रिएक्ट कभी भी मत करो। बहुत अच्छी फिल्म थी है और हर चीज योगिक ढंग से हुई है यहाँ, बिल्कुल व्यवस्थित, और इसीलिए अपने इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और मन को कैसे शांत रखना, उसके लिए योग सीखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आप सब तो यहाँ आए हुए हो ना, सबने यहाँ सीखा है, शायद एंड्रू स्कूल के है ना आप? हाँ, तो आते ही थे बच्चे एंड्रू स्कूल के, मगर लड़के भी हैं ना स्कूल में? हाँ, तो खैर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमें एक मैसेज दिया है, पहले का ज़माना और था और आज का ज़माना और है। पहले ज़माने में हम बेटी को नहीं चाहते थे, बेटे को चाहते थे। आज के ज़माना उल्टा हो गया, आज हम बेटे को नहीं चाहते, बेटी को चाहते हैं। ये ज़माना है, ये परिवर्तन हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा आज हमें गौरव है, आज हम ऐसे देश में ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो हमारे देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने एक नारा दिया, एक अभियान शुरू किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये उन्होंने हमारे देश को एक बहुत बड़ा अभियान दिया। इसके अंतर्गत कई संस्थाएं ऐसे काम कर रही हैं हमारे देश में जो सिर्फ और सिर्फ बेटियों को पढ़ाने का और आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उसमें से एक प्रमुख संस्था जो है जो एम्पल मिशन, जो करीब करीब 12 से 13 वर्षों से लगातार काम कर रहा है और ऐसे कार्य कर रहा है कि समाज में जिस कार्यों को करने के लिए लोग हमेशा पीछे हटा करते हैं उस कार्य के लिए एम्पल मिशन आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जिन इवेंटों के बारे में अभी आपको एक पुस्तक जो अभी अनिल जी मुरारका के लिए लिखी श्री संजय जी ने, उसमें मैंने उसको पूरी पढ़ा, एक एक मैंने 3 बार उसको पलट के पढ़ा। मैं कहता हूं कि हर बच्चों को एक बार वो पुस्तक आपको शायद अवेलेबल होगी तो आप पढ़ेंगे उसको, उसमें देखेंगे किस तरीके से अपन को लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है। तो इसी पुस्तक में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको आज हमारी प्यारी नन्ही मुन्नी सी जो सामने बैठी हुई है बहनें बेटी, मैं चाहूँगा कि अपने अपने बलबूते पे आप ऐसा काम करें, ऐसा इतिहास रचें कि अपने आप में एक गौरव हो और दुनिया आपको प्रणाम करे। मेरी यही शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके स्कूल टीचर्स के लिए कि इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने व्यवस्थित तरीके से आप लोग सामने बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां बजा के आपका स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे डॉक्टर अनिल मुरारका जी और उनका बेटा सिद्धांत जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं हकीकत में मैं जब भी कहीं जाता हूं तो जरूर इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान, सिद्धांत कहाँ है बेटा, इधर आओ, इधर